अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग अपने अपने आईडी नंबर भी लिखा हुआ है आपने टेंडर्स में, मतलब जो लॉगिन है आपका, तब सिर्फ प्रेजेंट लिख दें, ठीक है। अगर आप सिर्फ नाम से लॉगिन हुए हैं तो आईडी नंबर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। जितना बाकी लोग भी आ रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट 10 मिनट्स में क्वेश्चन आंसर्स लास्ट क्लास से रिलेटेड लेते हैं, जब तक सब लोग आते हैं, नहीं तो फिर हम लोग अपना नॉर्मल सेशन स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। Any questions from yesterday's lecture? Please raise hands. कोई क्वेश्चंस नहीं है? लेट्स वेट अ फ्यू मिनट, फिर हम लोग बकायदा सेशन का स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल किसी का कोई क्वेश्चन हो लास्ट लेक्चर से तो वो कर लें। सुन सकते हैं आप लोग, को एक बंदा हैंड रेज कर दे अगर मेरी आवाज आ रही है, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली मेरी एक बिल्कुल साथ ही क्लास थी अभी पीछे भी, वो भी मेकअप था, तो इसलिए मेरी आवाज भी थोड़ी शायद आपको उसमें थकावट महसूस हो रही होगी। आई गेस वी शुड स्टार्ट अवर सेशन। किसी को क्वेश्चन हैं प्रीवियस सेशन से तो कर लें अभी, ताकि हम लोग सेशन स्टार्ट कर सकें बाकायदा। मेरी कोशिश तो थी कि बाकी लोग भी आ जाएं, बट आई गेस के अराउंड हाफ इज एनफ स्ट्रेंथ। चलें फिर, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले मुझे बताएं कि आज मेरे साथ सेशन में 1-to-1 कौन होगा? उज़ैर भी रह चुके हैं पहले, आई गेस शाहमीर पहले रह चुके हैं मेरे साथ, शफकत हैं, शफकत आ चुके हैं।
और फीमेल में से महनम मेरे ख्याल रहती हैं, महनम और अमल और तुबा। अगर कोई और इनमें से, तुबा तुबा मेरे ख्याल हो चुकी हैं, और आसिया, आसिया ने मैं लास्ट एक ज्वाइन किया था। अगर कोई और भी वॉलंटियर करना चाहता है फॉर 1-to-1 सेशन तो वो कर लें प्लीज़, लेकिन करें कोई एक, ठीक है? इसमें कोई मसला नहीं है, आपको कोई चीज़ नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? मैं घबराने की बात नहीं है, कोई मसला नहीं, आती नहीं है तो कोई मसला इसमें ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है? होता है ऐसा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ये है कि उस वक्त ये चीज़ आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। डोंट लेट मी चूज, अगर किसी ने मेरे साथ वॉलंटियर करना है तो अपना हैंड रेस करे, अभी के लिए बेहतर होगा। मैं असल में चाह रहा हूँ कि पहले ही उज़ैर वगैरह ये कर चुके हैं, तो बेहतर नहीं लगता कि आज के सेशन में दोबारा इनको मैं कहूँ। मानम, ओके, वी हैव वन, ओके, शफकत, ओके, दैट दैट इज़ गुड, दैट इज़ एक्चुअली गुड कि हमारे पास जो पहले नहीं आए वो लोग। मैं आप दोनों को अनम्यूट करने लगा हूँ, एंड वी विल स्टार्ट विद अवर सेशन। ओके शफकत, मानम, यू 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 हैव टू कीप योर हैंड रेस्ड ड्यूरिंग द होल सेशन। मानम दोबारा अपना हैंड रेस करें प्लीज। सर मैं अपना माइक म्यूट कर दूं, मेरे पास बैकग्राउंड पे फिर वॉइस आएगी। वो भी कर लेते हैं, पहले अभी मुझे ये बताएं कि मेरा हैंड वेव स्मूथ नज़र आ रहा है, आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन ठीक है? ठीक जी सर, नजर है। आ रहा है। अच्छा शफकत, मैं आपका माइक, अगर आप म्यूट करना चाहें कर लें, क्योंकि आप म्यूट करेंगे फिर मुझे दोबारा अनम्यूट करना पड़ेगा अगर कोई बात सर वगैरह करनी हो तो होगी, क्योंकि आप अनम्यूट नहीं कर सकेंगे। चलें, मानव हमारे साथ वैसे डायरेक्ट रह लेंगी, आप बेशक म्यूट कर लें। मानव आपका तो कोई इशू नहीं है इस तरह का, नो सर। चलें ठीक है, ये अच्छा होगा, कम से कम एक स्टूडेंट बिल्कुल ही 1-to-1 रहे, ठीक है? बाकी ये है कि मैं शफकत को बीच में करके तो अनम्यूट करके तो बातचीत कर लिया करूंगा। ओके सो हम लोग एस आर लैच, एस बार, आर बार लैच और डी लैच, ये हम तीन टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए। इनकी एक समरी विद विजुअल ग्राफिक्स, इनको सिंबल्स, इनके ब्लॉक ब्लॉक सिंबल्स कैसे होते हैं, आज हम ये थोड़ा सा देखेंगे और 5.3 का एंड कर देंगे, और साथ ही इनशाला 5.4 स्टार्ट कर देंगे। तो एक बिल्कुल समरी टाइप कि अगर हम इनको ब्लॉक के तौर पर बनाया जाए, डायग्राम के तौर पर, आपको मार्केट में भी इसी तरह बनते बने हुए नजर आएंगे। तो एस आर यूं लिखा होगा, और ये इसकी एक आउटपुट होती है और एक दूसरी आउटपुट, आप देख रहे हैं कि बबल है, ये बबल किसको डिनोट करेगा? आउटपुट कितनी होती है लैच की, मानम कितनी आउटपुट्स होती है लैच की? कल दो पढ़ी हमने, दो आउटपुट होती है, कौन कौन सी? क्यू क्यों क्यों नॉट क्यू बार, ठीक है, नॉट भी ठीक है, क्यू कॉम्प्लीमेंट भी ठीक है, क्यू बार। तो ये क्यू क्यू बार बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लैच की हमेशा दो आउटपुट होती हैं और एक कॉम्प्लीमेंटेड होती है, इसलिए उन्होंने बुक में भी आप देखेंगे तो कन्वेंशन यही है कि बस इन्वर्टेड उसके आगे बबल लगा दिया है, ठीक है? और देखिएगा कि ये बबल का क्या मतलब होगा अगर इनपुट साइड पर हो तो, आपके ख्याल में इनपुट साइड पर क्या मतलब होगा? अगर मैं इसको एस लिख रहा हूँ, इसको आर लिख रहा हूँ, तो इनपुट साइड पर बबल लगाने का क्या मकसद हो सकता है कि ये कौन सी लैच है? ये एस बार आर बार लैच है, ठीक हो गया? तो अगर इनपुट साइड पर बबल है तो उसका मतलब है कि ये लैच एस आर नहीं, एस बार आर बार लैच है, और ये लैच एस आर लैच है, ठीक है? और ये इसकी आउटपुट क्यू और क्यू बार है, और ये आपके पास एक और लैच थी जो हमने पढ़ी थी, जिसको हमने ट्रांसपेरेंट या डी लैच कहा था, और इसकी एक एक्स्ट्रा इनपुट एनेबल इनपुट थी, ठीक हो गया? तो ये आपके पास एस आर लैच आ गई, ये आपके पास एस बार आर बार लैच आ गई, और ये आपके पास जी डी लैच या ट्रांसपेरेंट लैच आ गई, ठीक है? और इनका फंक्शन टेबल क्या था? अब तो टेबल नहीं कहेंगे हम, फंक्शन टेबल कहेंगे, आगे जाकर एक और अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, स्टेट टेबल, ठीक है? 0001, 1011, यही चार कॉम्बिनेशन ओवरऑल हो सकते हैं। दिस इज फॉर नो चेंज, अगर 00 हो तो जो पुरानी स्टेट होगी वही रहेगी, 01 हो तो जो मर्जी हो रहा हो पीछे रीसेट कर दिया करेगा, यानी कि क्यू को 0 और क्यू बार को 1, ठीक है? और जो पीछे स्टेट हो उसको सेट कर दिया करेगा 1-0, और ये इनडिटर्मिनेंट है या फॉरबिडन स्टेट है, ठीक है? एस बार आर बार में समरी ये है कि अगेन इसके चार कॉम्बिनेशन है, 00, 01, 10 और 11, और ये बिल्कुल अपोजिट काम करता है एस आर लैच के, यानी कि इनडेफिनेट डिटर्मिनेंट या फॉरबिडन इसका 00 होता है, जब इसका एस बार 0 होता है तो ये सेट करता है, ठीक है? याद, आपने सेट और रीसेट को ऐसे ही रखना है,
एस की मुनासबत से ही रखना है और रीसेट को आर की ही मुनासबत से रखना है। तो एस बार जब जीरो होता है तो सेट कहेंगे, ठीक है, यानी कि वन क्यू और जीरो क्यू बार, और आर बार जब जीरो होता है तो रीसेट होता है, यानी कि जीरो और वन, ठीक है, और वन वन में इसमें नो चेंज होता है, ठीक है। एंड फाइनली डी लैच में बड़ा सिंपल है क्योंकि उसमें चार भी नहीं तीन कॉम्बिनेशन लिखने पड़ते हैं, होते चार ही हैं लेकिन हम लिखते इस तरीके से हैं। तो डी लैच में तीन इनपुट्स और क्यू क्यू बार दो, सॉरी चार इनपुट्स, एनेबल डी। जब आप एनेबल को इसमें जीरो कर देते हैं तो फिर डी का कोई फायदा नहीं है, डी को जो मर्जी छेड़ते रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज, यानी कि जो प्रीवियस स्टेट होगी वही रहेगी। जब आप एनेबल को वन करते हैं तो जो डी की वैल्यू होती है वही आगे रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि सेट तो सेट, अगर इनपुट पर वन है तो आउटपुट पर भी वन, और क्यू बार उसका अपोजिट काम करता है, ठीक हो गया। तो इसलिए इसको ट्रांसपेरेंट लैच कहते हैं। तो ये हमारी समरी भी होगी जो अभी तक हमने पढ़ा था, लैचेस का जितना भी हमने काम पढ़ा था वो अभी तक की समरी भी होगी है, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग 5.4 पर। अब हम 5.4 क्या है, वो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स हैं, इनकी स्लाइड्स बनी पड़ी हुई हैं, स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी, बल्कि मैंने दोबारा नई स्लाइड्स भी अपलोड कर दी हैं, चैप्टर 5 में जो चेंजेस थोड़ी बहुत मैंने की थी स्लाइड के हवाले से, ठीक है, सब स्टूडेंट्स को मिल जाएंगी। 5.4 है स्टोरेज एलिमेंट्स विच आर ऑल्सो नोन एज, वैसे लैचेस भी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं, फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स और लैचेस में बुनियादी फ़र्क क्या है, वो है लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग का। अब ये क्या बुला है, इसके लिए कंसिडर करें कि आपके पास ये लैच थी डी लैच, और ये इसके पास एक एनेबल पिन थी, और ये क्यू है और ये क्यू बार है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एनेबल के साथ एक स्विच कनेक्टेड है, ठीक है, या फिर यूं समझ लें कि एक यहाँ पर एक शख्स है, उसके हाथ में एक बटन है, ठीक है, और उसको बस आदत है वो इस बटन को क्लिक 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 इस तरीके से दबाता है, तो एक इस तरह का पैटर्न जनरेट होता है वंस और जीरोस का, ठीक है ना, जीरो वन जीरो वन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वन जीरो, ये वन, ठीक है ना, ये जाता है, ये अटैच हुआ है ये पैटर्न एनेबल के साथ, ठीक है, और साथ में दूसरी तरफ से एक पैटर्न डी के ऊपर आ रहा है एग्जैक्ट इसी सिंक्रोनिसिटी में, डी यूं 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 यूं, ठीक है, इस तरह एक पैटर्न जनरेट हो रहा है डी का भी, हमने किसी और जगह से पैटर्न जनरेट किया हुआ है, ठीक है। तो आपके ख्याल में क्यू कब रिस्पॉन्ड करेगा और कब रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, एनेबल के ऊपर ये वाला पैटर्न जा रहा है, ठीक है, और डी के ऊपर ये वाला पैटर्न जा रहा है, और ये जो हाई लेवल है इसको हम वन कह रहे हैं और लो लेवल को हम जीरो कह रहे हैं, ठीक है। तो अनेबल को कब रिस्पॉन्ड, डी फ्लिप डी लैच को कब रिस्पॉन्ड करना चाहिए और कब रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, आपका क्या ख्याल करता है? मेरे ख्याल है ये ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, नहीं समझ आ रही मानम इस चीज की? नहीं सर, नहीं आ रही समझ। ओके, जब मैं अनेबल को वन देता हूं तो, जब मैं एनेबल को जीरो देता हूँ तो आउटपुट क्या होती है? चले मैम ये दोबारा ये लिखता हूँ, जीरो डोंट केयर, वन वन जीरो वन जीरो वन नो चेंज, ठीक है, वन जीरो। अब बताएं एनेबल को मैं जीरो देता हूँ तो क्या होता है? नो चेंज, आउटपुट जो प्रीवियस स्टेट थी वही रिटेन रहती है। एनेबल को वन देता हूँ तो फिर क्यू क्या होता है? क्यू सर जीरो। एनेबल को वन देता हूँ क्यू जीरो होता है? या डी नहीं, एनेबल को जब मैं वन देता हूँ तब तक मैं नहीं बता सकता जब तक डी कम है। हाँ, डिपेंड्स ऑन डी, ठीक है ना, जब तक डी के ऊपर, जब तक डी जो है वो मैं नहीं बताता कि डी डी की क्या वैल्यू है। जब मैं कहूंगा कि डी वन है तब भी आपके पास आगे वैल्यू ट्रांसफर होगी, ये बात समझ आई है? अब जब मेरा एनेबल वन हो तब साथ डी की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए क्या होगी। अच्छा, अब मैं डी को मैं वन रखता हूँ, ठीक है, और मैं एनेबल को ये पैटर्न देता हूँ। ये पैटर्न क्या है? ये पैटर्न है जीरो फिर वन फिर जीरो फिर वन फिर जीरो फिर वन। ये मेरा टाइम के साथ पैटर्न है। मैं पांच
ये जीरो से स्टार्ट करता हूँ, फिर पांच सेकंड तक मैं, पांच सेकंड के बाद मैं वन कर देता हूँ, फिर पांच सेकंड के लिए वन रखता हूँ, दसवें सेकंड के बाद जीरो कर देता हूँ, पंद्रह सेकंड के लिए जीरो करता हूँ, फिर बीसवें सेकंड पे वन कर जीरो कर देता हूँ, पच्चीसवें सेकंड तक जीरो रखता हूँ, तीसवें सेकंड फिर वन कर देता हूँ। तो मैं इस तरीके से एनेबल कर रहा हूँ, ठीक है? अब मेरे ख्याल समझ आ गई होगी। तो पहले पांच सेकंड तक, पहले पांच सेकंड तक जब तक एनेबल जीरो है ना, तो नो चेंज हो रहा है। अगले पांच सेकंड के लिए कंट्रोल डी के पास चला गया एक तरह से, ठीक है? अगले फिर पांच सेकंड के लिए एनेबल के डी के से कंट्रोल खत्म हो गया, ऐसा ही है? समझ आ रही है? अब तो बात समझ आ गई है, चलें अब देखते हैं, ठीक है ना? अब आए आगे। अब मेरे पास एक यूजर की ऐसी कंट्रोल पिन आ गई, ठीक हो गया? अब मेरे पास एक बंदा था, उसने इस कंट्रोल पिन से ऐसी वेव फॉर्म दी, ठीक है ना? और साथ में दूसरी तरफ बंदा था जिसने यही वंस और जीरोस दिए। ये जो ऊपर वाली चीज है ये डाटा है और नीचे वाली कंट्रोलिंग है, ठीक है ना? तो इतनी देर के लिए आपने जहां जहां जीरो दिया है ना, उतनी देर के लिए डी के पास कंट्रोल नहीं है, बल्कि वो कंट्रोल एनेबल के पास है, ठीक है? तो ये जो चीज जगह है, यहाँ पर डी अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है, बाकी जगहों पर डी अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, ठीक हो गया? अब मुझे बताएं कि क्यू की, अगर मैं वेवफॉर्म बनाऊं क्यू की भी, ये तो हो गया ना डी की वेवफॉर्म, डी का डाटा हो गया जो यूजर दे रहा है, ये एनेबल हो गया, तो जब मैं क्यू की वेवफॉर्म बनाऊंगा तो कैसी होगी? यहाँ पर एनेबल क्या है, जीरो है, ठीक है ना? यहाँ वन है एनेबल, यहाँ पर डी का इफेक्ट आ सकता है, यहाँ पर डी का इफेक्ट नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो क्यू मैं शुरू करता हूँ, अजम्पशन मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरा क्यू जीरो था, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है, क्योंकि एनेबल जीरो था। जैसे ही मैं एनेबल वाली जगह पर पहुंचाऊं तो मेरा डी का इफेक्ट शुरू हो जाएगा, जी सर। तो मेरा डी क्या होगा, मेरा क्यू क्या होगा, जो डी होगा, यहाँ तक डी एज इट इज रहेगा। जैसे ही डी अब एनेबल वन है, तो मेरा डी, मेरा क्यू डी को फॉलो करना शुरू कर देगा, ठीक है? या समझ आ रही है? अब जब तक मेरा एनेबल वन है, मेरा क्यू डी को फॉलो करेगा, जैसे ही एनेबल मेरा दोबारा जीरो हुआ, तो मेरा क्यू डी को छोड़ देगा। लेकिन जब एनेबल जीरो होता है, तो फिर एनेबल जीरो होने पर क्या चीज होती है, एनेबल जीरो होने पर क्या चीज होती है, नो चेंज, नो चेंज। तो प्रीवियस वैल्यू क्या करेगा, क्यू रिटेन रखेगा, हाँ रिटेन रखेगा। उसके बाद दोबारा जब एनेबल डी पे चला, हाँ वन होगा, तो फिर डी के पास कंट्रोल आ जाएगा, फिर क्यू इस तरीके से, ठीक है? फिर जब तक, फिर जब तक आपके पास, और ये देखें, ये दोबारा चेंज हो रहा है ना डी, ठीक है? तो ये दोबारा डी चेंज हो रहा है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जब वन आएगा तो क्यू डी को फॉलो करेगा, ठीक है? और जब एनेबल जीरो आएगा तो प्रीवियस वैल्यू क्यू अपनी रिटेन रखेगा। अब मैं सारे को मिटाकर सिर्फ एनेबल और डी की वैल्यू बनाता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि क्यू क्या करेगा, ठीक है? इस सारे की समरी क्या हुई कि ये आपके पास एनेबल है, ठीक है, और ये आपके पास एनेबल है लेट से, ठीक है, ये वन है इसके एनेबल के सारे, ठीक है, और ये डी का डाटा है, ठीक है, ये डी का डाटा है। और अब समरी क्या थी, जब एनेबल वन होगा तो डी क्यू डी को फॉलो करेगा, वरना पुरानी वैल्यू रिटेन रहेगी। हम स्टार्ट करते हैं क्यू फ्रॉम जीरो। अब क्योंकि एनेबल जीरो है तो नो चेंज, तो पहले जो है ना यूं करते हैं, हम इन जगहों को मार्क भी कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ये जगह हमने मार्क कर ली है, ठीक है? अब किस किस जगह में चेंज आएगा, इस जगह में चेंज आएगा, इस जगह में चेंज आएगा, और इस जगह में चेंज आएगा, और इस जगह में चेंज आएगा, ठीक है? तो इस जगह में कोई चेंज नहीं आएगा, क्यू अगर जीरो से हमने स्टार्ट किया था तो हम जीरो से स्टार्ट रखेंगे, ठीक है? तो क्यू जीरो से स्टार्ट रहेगा। अब डी को फॉलो करेगा क्यू, ये डी को फॉलो किया, फिर अब नो चेंज, तो बेशक डी चेंज होता रहे ना, एनेबल ही जीरो है, एनेबल ही डिसेबल्ड है, पहली वैल्यू रिटेन रखेगा, फिर जो है क्या करना है, फिर यहाँ चेंज हुआ, फिर डिसेबल हो गया, ठीक है ना, नो चेंज, ठीक है? फिर आपके पास क्या हुआ, दोबारा आपके पास यहाँ पर फॉलो करना चाहिए, तो एकदम से डी गिरा है, तो इसको गिरना पड़ेगा, लो होना पड़ेगा, ठीक है? फिर ये आपके पास आगे, ठीक है, इस तरीके से करते करते दोबारा जो है ना वो नो चेंज, ये सॉरी यहाँ पर तो प्रीवियस वैल्यू को फॉलो करना चाहिए, इसको प्रीवियस वैल्यू को फॉलो करेगा, और अगेन जो है वो ये ड्रॉप होकर ये चीज करेगा, ठीक है? तो ये चीज आपको समझ आई है,
कि किस तरीके से अगर आप वेव फॉर्म की फॉर्म में दें तो अनेबल जो है वो क्यू जो है वो फॉलो करेगा डी को जब अनेबल जो है वो वन होगी, ठीक है ना, वरना ये वन नहीं होगी, वरना ये प्रीवियस वैल्यू अपनी रिटेन रखेगा, ठीक है। अब जरा थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म पे आए, उसके लिए मैं स्लाइड पर जाऊंगा क्योंकि मुझे समझ लग गई है कि यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को वो स्लाइड पर भी समझ आ जाएगी। लेट मी शेयर माई स्क्रीन, ठीक है। मुझे बताइएगा आप लोगों को अगर स्क्रीन नजर आ रही हुई तो, स्क्रीन नजर आ रही है पावर पॉइंट की? यस सर। मैं एक मिनट शफकत को भी ले लूं, अगर वो कहते हैं कि बैकग्राउंड नॉइज का इशू। शफकत मैंने आपको अनम्यूट किया है, बैकग्राउंड का इशू रहेगा या नहीं रहेगा? सर इसके बाद फिर मैं म्यूट कर लूंगा। अच्छा ठीक है, असल में आप मुझे रिप्लाई उसमें कर रहे थे तो मैंने कहा साथ ही आपको ले लूं। अच्छा देखें, ये आपकी जो ये जरा देखें, आप गौर करें, ये डबल असेंबली बन गई है। अभी आप सिर्फ फिलहाल पहली लैच पर गौर करें, पहली लैच पर ये हमारा वही सिनेरियो जो अभी हम कर रहे थे, सिर्फ पहली लैच पर, ठीक है। ये आपके पास डी इनपुट है, ठीक है, और ये आउटपुट जो क्यू की बजाय हमने वाई कह दी है, बस अभी फिलहाल सिर्फ इस पर गौर करें। स्क्रीन नहीं आ रही, अच्छा मैंने शेयर नहीं किया, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये माई मिस्टेक। ओके अब आ रही है? Yes, sir. अच्छा देखिए, यहाँ दो लैच बनी हुई है, एक मास्टर है एक स्लेव है। स्लेव वाली को बिल्कुल साइड पर कर दें, फेंक दें, छोड़ दें, कोई जरूरत ही नहीं है स्लेव वाली को देखने की। ये मास्टर वाली लैच को ले लें और जो अभी हमने काम किया हम बिल्कुल इसको रिपीट करने लगे, छोड़ दें बाकी सारी चीजों को। ये डी इनपुट, ये जो मेरी क्लॉक है ना, ये एनेबल वाली वो इनपुट है, ठीक है ना, और ये वाई वो क्यू है जो मैं क्यू कह रहा था, ठीक हो गया, बाकी सब चीजें छोड़ दें। ये वो क्लॉक की एनेबल जो मैं दे रहा था वेव फॉर्म, एग्रीड, समझ आ गई है, और ये जो डी की वेव फॉर्म है ये वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ, और ये एनेबल यहाँ पर वन है, ठीक है, और ये एनेबल यहाँ पर जीरो है। तो जब जब एनेबल वन है इसने फॉलो करना है किसको? डी को, ठीक है। तो वाई देखें, एनिमेट क्यों नहीं हुआ, हाँ वाई देखें फॉलो कर रहा है एनेबल को या क्लॉक को जब जब डी क्या है वन है, ठीक है, और दोबारा जब जब D1 है तो उसको पुरानी वैल्यू रिटेन कर रहा है, हाँ रिटेन कर रहा है, दोबारा इसको फॉलो कर रहा है, दोबारा इसको रिटेन कर रहा है, ये समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, अच्छा अब अगली लैच पर आए। अगली लैच में क्या हुआ है, हमने इसी क्लॉक की क्या दी है, नेगेटिव वैल्यू दे दी है, यानी कि इसके लिए जो नेबल का सिग्नल हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है। और एक और काम हमने किया है, दूसरा काम ये किया कि हमने इसकी इनपुट वाई को बना दिया है, तो ये डी वाली इसकी इनपुट नहीं रही है बल्कि इसकी इनपुट क्या हो गई है, वाई वाली हो गई है, ठीक है। तो इसके लिए सिनेरियो जो है वो एक तो ये हो गया है कि क्लॉक इसकी नेगेटिव हो गई है नेक्स्ट वाले की, और दूसरा इसकी इनपुट क्या रह गई है, वो वाई वाली रह गई है, वो डी वाली इनपुट इसके लिए नहीं रही है। ये समझ आया या बहुत फास्ट हो गया, रिपीट करूं? क्लियर है सर। क्लियर है ना, एक तो हमने इसकी, मैं दोबारा शुरू से एक दफा करता हूँ, देखें सबसे पहले हमने क्या किया, जो आपका ये पहले वाली लैच थी, ठीक है ना, इसको अनेबल दी हमने, वो अनेबल ये रही, ठीक है, क्लॉक उसको अपने सिग्नल का नाम क्लॉक दे दिया, इनपुट डी दी और आउटपुट वाई, आउटपुट वाई कैसे है कि जब अनेबल वन होगा क्लॉक वन होगा तो वो उसको फॉलो करेगी, ठीक हो गया, और जब जीरो होगा तो उसको फॉलो नहीं करेगी, प्रीवियस वैल्यू रिटेन रखेगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमने अगली लैच पे देखा कि हमने इसी क्लॉक की रिवर्स वैल्यू दी है, तो इसका अनेबल जो है वो इसके रिवर्स है, ठीक हो गया, इसके रिवर्स हो गया। दूसरा हमने ये काम किया कि अब इसकी इनपुट वो मेन इनपुट नहीं है बल्कि y है, तो हमने y इसको दिया, ठीक है। अब जब y देंगे तो जब जब इसकी enable जो कि पहली enable की रिवर्स है हाई होगी तब तब इस पे चेंज आएगा, तो शुरू में इधर तो चेंज इसका नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर जीरो से हम स्टार्ट करें चेंज नहीं आया, अब इसके ऊपर चेंज आना चाहिए क्योंकि enable क्या है वन है, तो वो हमने देखा इसका चेंज आ जाता है, और दोबारा फिर नो चेंज होना चाहिए, और दोबारा फिर इसका नेक्स्ट का चेंज आना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप इसको पहली वाली क्लॉक के हिसाब से देखें ना और डी के हिसाब से देखें, डाटा के हिसाब से देखें, ठीक है, अगर आप पहली वाली क्लॉक के हिसाब से देखें, इस पूरे को एक ब्लॉक समझें, इस पूरे को एक ब्लॉक समझें कि ये आपकी मेन क्लॉक है, ठीक है, और ये इसका मेन डाटा है, तो आपको नजर ये आएगा कि जब क्लॉक हाई से लो गिरती है ना,
सिर्फ उस वक्त आउटपुट पर चेंज ऑब्जर्व होता है जब क्लॉक हाई से लो गिरती है, उसी वक्त आउटपुट पर डाटा का क्यू पर डाटा चेंज होता है। तो इसको कहते हैं कि ये फॉलिंग एज के ऊपर आपका ट्रिगर जो है ये क्लॉक का गिर रहा है, इसको कहते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो एज ट्रिगर्ड होते हैं, जबकि अभी आप देख रहे थे कि लैच में क्या हो रहा था कि लेवल ट्रिगर्ड थे। लेवल से मुराद ये कि जब पूरा लेवल हाई रह रहा था, जब पूरा सिग्नल पूरा का पूरा वन रह रहा था, तो आप चेंजेस कर रहे थे, वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे थे। ये देखें अभी ये चेंजेस पूरे लेवल पर वाई के रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पूरे लेवल पर, ठीक है ना, पूरे लेवल पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जबकि ये जो पूरा सिग्नल है, ये वाला सिग्नल है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एज पर, फॉलिंग एज पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बात समझ आई है? यस सर। ठीक है, तो इसलिए जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं, वो एज ट्रिगर्ड होते हैं, और आपके जो क्या कहते हैं लैचेस होती हैं वो क्या होती हैं, लेवल ट्रिगर्ड होती हैं। ये दो बेसिक फर्क हैं। और क्योंकि हम लोगों ने सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स करने हैं, तो हमें फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे जो कि स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर ही हम उनको चेंज कर सकें उनकी वैल्यू। जो लैचेस है ना वो बस लेवल आप रखते हैं तो वो फौरन चेंज करना शुरू कर देती है इनपुट पर। हमें चाहिए होता है कि हम स्पेसिफिक इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पर चेंज कर सकें। एनी क्वेश्चंस? दोनों के आप के दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर है आज के लेक्चर के बारे में? हालांकि ये बड़ा मुश्किल लेक्चर था, लेकिन अगर आप लोगों को समझ लग गई है तो मैं अपनी सक्सेस समझता हूँ इसको। कितनी दूर से बैठे हुए भी मैंने आपको ये चीज समझा दी है। मुझे अभी भी वैसा खदशा है कि आप लोग शायद वैसे ही कह रहे हैं। नहीं सर, हो गया, मजा आ गया। पक्की बात है? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज देख लें, अगर ये चीज हम लोग ये देखें, अगर हम लोग इधर क्लॉक को सॉरी स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की, मैं शेयर कर लूं स्क्रीन। अगर हम लोग देखें, ये अभी तक हम ये वाला सर्किट कर रहे थे ना, अगर आपने इसको पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड बनाना है ना, तो आप यहाँ पर एक नॉट गेट लगा लें। अब इससे क्या होगा कि इस वाले जो लैच को है ना वो पॉजिटिव लेवल्स जो है वो ट्रिगर करेंगे और इस वाले को नेगेटिव ट्रिगर करेंगे। तो ओवरऑल ये जो आपकी लैच बन जाएगी ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड बन जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने नेगेटिव एज ट्रिगर्ड करना है तो आप पहली वाली के इनेबल को डायरेक्ट दें, ठीक है, और इस वाले को नॉट लगा कर दें। और अगर आपने पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो बस एक नॉट गेट का इधर इजाफा मजीद कर दें, ठीक है। आज के लिए मैं, मेरा ख्याल इतना ही काफी रखते हैं, क्या ख्याल है आप लोगों का? ठीक है सर, ठीक है। मेरे ख्याल में बाकियों से राय ले लेता हूँ इस बारे में, क्योंकि आज का काफी कंसंट्रेटेड टॉपिक था। अगर किसी को सवाल है अभी आज के टॉपिक में तो हम बाकियों से लेते हैं, ठीक है, ताकि इसको हम क्लियर करें, ठीक है। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस लेक्चर? बाकी लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं? क्लास नहीं तो देख लो, मैं फिर इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि नैंड वगैरह आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आए हुए हैं, वो 5 मिनट का, और वो भी स्लाइड पे बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन हुआ हुआ है। कौन सी चीज रिपीट करनी है बताएं मुझे? आप प्लीज रेज हैंड कर लेना ताकि मैं आपको 1-to-1 आपसे बात करके समझ सकूंगा आपको एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, ठीक है। अगर आप एक एग्जैक्ट मोहम्मद अब्दुल शफकत और मानम आप लोग जो है ना वो अपना हैंड लोअर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनको क्वेश्चन है वो अपना करें, और आप लोग माइक भी म्यूट कर सकते हैं आप लोग। जी जी राफे, कौन सी चीज एग्जैक्टली अगर आप मुझे बता सकें, समझ नहीं आई तो फिर हम उधर से लेकर चलें। सर वो स्लाइड्स पे करें। जी जी बोलें बोलें। स्लाइड्स करें। स्लाइड्स प्ले करूं मैं एक दफा, फिर आप मुझे बताएंगे कहाँ क्या चीज समझ नहीं आई, ठीक है, मैं करता हूँ। शेयर स्क्रीन स्लाइड्स। जी बोलें
स्लाइड नजर आ रही है आपको सर? ये जी 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 सर बोले सर, ये वाई वाली तो आउटपुट समझ आ गई थी, लेकिन ये क्यू वाली नहीं समझ आई। हाँ, क्यू जो है ना वो वाई की y जो है वो q जो है वो y पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि y q की इनपुट इनपुट है। ठीक है, तो ऐसा है कि जो q को इफेक्ट है वो y करेगी। ये देखे ना, अब y का q का d के साथ तो ताल्लुक है ही नहीं। ठीक है, अब ये हो गया। देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं शुरू से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक दफा यहाँ पर आ जाए, मुझे बताइएगा जितनी आपको समझ आई हुई है, और जितनी नहीं समझ आई वहां से चेक करते हैं। पहली चीज आपको ये समझ आ गई कि कैसे y कैसे बन रहा है, ये समझ आ गई आपको, ये y कैसे बना रहा हूं मैं, ये समझ आई है कि नहीं आई? पहले मुझे ये बताएं, ये समझ आ गई? बस अब बड़ी अच्छी बात, ये समझ आ गई। अब मुझे बताएं, इसको जो नेबल सिग्नल मिल गया मिल रहा है वो ये है कि नहीं है? ये पता चल गया कि नहीं पता चला? अगर अगर इसको इस वाले को जो ये वाला मास्टर सिग्नल है, मास्टर इनेबल ये है, तो स्लेव इनेबल इसका इन्वर्टेड ही है ना, ये तो समझ आ गई ना। ठीक है, दूसरा ये जो y, ये जो इसको इनपुट मिली हुई है वो ये y वाली इनपुट मिली है, ये भी एग्रीड है कि नहीं एग्रीड है? ठीक है, अब ये भी तो इनेबल वन के ऊपर काम करता है, ये भी तो इनेबल वन के ऊपर काम करता है ना, तो ये वाला जो ग्रीन है वो इसकी इनेबल है। ठीक है, तो जहां जहां इनेबल वन है वहां वहां क्यू वाई को फॉलो करेगा, जहां जहां इनेबल जीरो है क्यू वाई को फॉलो नहीं करेगा। तो देखें, जहां जहां वन है, यहाँ पर जीरो है, तो क्यू को हमने इनिशियल वैल्यू जीरो ली है अपनी तसल्ली के लिए, कहीं स्टार्टिंग पॉइंट तो लेना होता ना हमें, तो जीरो लिया। अब जैसी इनेबल इसका वन हुआ तो क्यू को पता चला कि वाई वन है, तो उसने भी अपने आप को वन कर लिया थोड़ी सी देर के बाद, लेकिन बहुत कम टाइम के बाद। ठीक है, उसके बाद उसने देखा कि अब तो इनेबल जीरो हो गया, तो मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, नो चेंज होगा, तो नो चेंज हुआ। फिर उसने दोबारा देखा कि अब इनेबल जब इसका वन हुआ, अब उसने देखा वाई क्या है, तो उसने वाई को दोबारा फॉलो किया। तो इस तरीके से क्यू आपके पास सिर्फ अल्टीमेटली जो ओरिजिनल सिग्नल है, ठीक है, उसकी सिर्फ पॉजिटिव एज के साथ उसने अपने आप को डी के हिसाब से चेंज किया। हमारा मेन मकसद ये बन जाता है कि हम ये देखें कि डी के हिसाब से ये कब चेंज हुआ। तो डी देखें कितनी दफा चेंज हुआ, लेकिन क्यू डी के रिस्पेक्ट से सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव एज पर ही क्लॉक के रिस्पेक्ट से चेंज हुआ है। ठीक है ना, ये जो मैंने इंटरमीडिएट स्टेज लिए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिए हैं कि ओवरऑल प्रोसेस क्या चल रहा है, लेकिन जो आपको नजर आएगा ना वो ये नजर आएगा, हमने क्लॉक दी, हमने डी दिया, और हमें चेंजेस सिर्फ क्यू पर ये नजर आए, लेकिन हमने समझाने के लिए ये इंटरमीडिएट स्टेजेस ली हैं सारी कि हो ऐसे रहा है, लेकिन हमें किससे गर्ज है? हमें इससे गर्ज है कि क्लॉक, डी और क्यू। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगी होगी चीज। अब आपको क्लियर हुई है या नहीं हुई है? क्लियर होगी है? अच्छा, ठीक है। अब मैं दूसरा किसी का क्वेश्चन लेता हूँ, अगर और भी लोग हैं। लेट मी स्टॉप शेयर। जी रफे, आप अपना हैंड लोअर कर दें अगर आपको समझ आ गया। अब अब्दुल मोहम्मद अब्दुल रहीम है शायद जी। मैंने आपने हैंड ही डाउन कर दिया अब्दुल, शायद किसी और का कोई क्वेश्चन है, हैंड रेज रखा करें प्लीज, हैंड रेज रखें। जी अब्दुल, जी अब्दुल, ये जो जी फ्लिप फ्लॉप है और क्लॉक है, इसकी जो हम इनपुट दे रहे हैं सर, ये मतलब थ्योरेटिकली तो इसका थोड़ा आइडिया हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल जो हम प्रोटीएस पे जब इम्प्लीमेंट करते हैं या दूसरे लैब के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये बेसिकली वही करंट की इनपुट है जो हम वहाँ पे लॉजिक जिस पर वन और जीरो इनपुट करते हैं, वही क्लॉक वही चीज है? नहीं, दो डिफरेंट चीजें इसमें। आप डाटा को तो वो इनपुट कह सकते हैं स्विचेस वाली, लेकिन क्लॉक दो चीजें। क्लॉक जो है ना काफी डिफरेंट तरीकों से बनाई जा सकती है। एक तरीका इसमें 555 टाइमर उसकी आईसी मिलती है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड चला जाता है। दूसरा तरीका यह है कि आप एक स्विच को बार बार कंटिन्यूसली ऊपर नीचे कर लें, लेकिन वो हार्डवेयर के थ्रू वो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप टेस्टिंग के लिए ये काम कर सकते हैं कि आप एक एक करके ये कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये है कि एक तो मैंने आईसी का बता दिया, फिर एक चीज होती है फंक्शन जनरेटर जो कि स्क्वेयर वेव्स बनाता है। ठीक है ना, लेकिन वो बड़ा महंगा इक्विपमेंट होता है। सबसे प्रैक्टिकल, सबसे आसान हल जो कि आप हार्डवेयर के ऊपर बात करें, वो 555 टाइमर की एक आईसी है, 8 पिन की आईसी होती है, 4 पिन एक तरफ, 4 पिन दूसरी तरफ, बहुत छोटी आईसी होती है, 2 रेजिस्टर, 1 कैपेसिटर लग के एक स्क्वायर वेव बना देती है, और वो आपकी क्लॉक के तौर पर काम कर लेता है। प्रोटीएस के ऊपर अगर आप बात करें तो प्रोटीएस के ऊपर कुछ एलिमेंट्स कह लें, या जिस तरह पावर सोर्सेज कहते हैं ना, पावर सोर्सेज आती है डीसी एसी की, वैसी होती है, लेकिन खुदा के लिए 220 वोल्ट एसी को क्लॉक मत समझिएगा,
वरना जो है ना वो आप ऐसी भी साड़ेंगे और खुद भी खुदा ना खास्ता आपको शौक लगेगा, ठीक है। बस इसके अलावा बाकी ये चीज़ है। तो प्रैक्टिकली प्रोटीज में आपके पास अवेलेबल होती है, प्रोटीज में भी होती है और प्रैक्टिकली भी अवेलेबल होती है, ठीक है। मेरे ख्याल है दिस आंसर योर क्वेश्चन। तो सर ये फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं ये वही स्विच की बेसिक इनपुट आउटपुट होती है 0 and 1? नहीं 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 नहीं, फ्लिप फ्लॉप एक अलग चीज है। फ्लिप फ्लॉप इज अ स्टोरेज एलिमेंट, इट इज अ मेमोरी एलिमेंट, एक बिट को स्टोर करता है। और स्टोरेज क्या है? स्टोरेज सिर्फ नो चेंज की स्टेट है इसकी। आपने कुछ चीज राइट कराई इस पे कि मैं वन इसको याद रखवाना चाहता हूँ वन, असल में एक वन या एक जीरो से हमें ताल्लुक नहीं होता। आपकी ये आपका जो आर्किटेक्चर है ना प्रोसेसर, इसकी भी बहुत लोअर लेवल पर जाकर ये फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह ही लगे हुए हैं। बल्कि इनफैक्ट आपकी जो आजकल SSD आ रही है, हार्ड डिस्क जिसको आप कहते थे पहले किसी जमाने में HDD कहते थे, ये SSD भी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड मेमोरी है, फ्लिप फ्लॉप्स हैं। आप पहले ये मैग्नेटिक होती थी, HDD होती थी, ठीक है। अब ये SSD है, ये भी फ्लिप फ्लॉप बेस्ड मेमोरी है और ये फास्ट इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हो गई है, ठीक है। तो ये आप मिल मिला के बनाते हैं, 2 की पावर बनाते हैं, ठीक है ना। 2 की पावर में हमेशा बनाई जाती है, कोई खास वजह इस आर्किटेक्चर को इंक्रीज किया जाता है। तो आप डाटा स्टोर कराते हैं, ये बहुत बड़ी बिट होती है, 8 बिट का डाटा, 16 बिट का, 32 बिट का, 64 बिट, X64 का आर्किटेक्चर, ठीक है ना। तो ये इस तरह के आर्किटेक्चर बनते हैं, इनको स्टोर कराते हैं। आपका जो एक ASCII है, ठीक है, 255 बिट का, 255 नंबर्स हैं या 8 बिट का ASCII है, ये सारी चीजें स्टोर कराने के लिए ये एलिमेंट्स यूज होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह यूज होते हैं, ठीक है ना। और क्लॉकिंग इनके अंदर एक अपना क्लॉकिंग, ये 2.8 MHz, GHz, ये क्या है प्रोसेसर की स्पीड, ये क्लॉक्स हैं इनकी, ठीक है, ये क्लॉकिंग फ्रीक्वेंसीज हैं इनकी। इतनी तेज, जितना बड़ा हैवी प्रोसेसर होता है उतना फास्ट आपका PC चलता है। क्यों? प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा होती है ताकि जल्दी से ये डाटा रीड राइट कर सकता है, जल्दी से पढ़ सकता है, डाटा को जल्दी से राइट करा सकता है, ठीक है। ठीक है, उनके बेसिक स्ट्रक्चर ये थे, फ्लिप फ्लॉप्स थे, ठीक। एनी अदर क्वेश्चंस? ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं, हेल्थी क्वेश्चंस हैं, लेकिन जितने मुझे पता होंगे इनके बारे में उतना ही कमेंट कर सकूंगा। आज का टॉपिक मैंने जानबूझकर थोड़ा कम रखा है क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा सा हैवी टॉपिक है, इसको हजम करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो प्लीज कल इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर करके रखिएगा। नेक्स्ट वीक, इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं क्विज के लिए भी कुछ आप लोगों को दूंगा मवाद, आप लोग तैयार कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीक से क्लासेस के टाइम, इस दफा तो हमने ये मेकअप लिया है ना, नेक्स्ट वीक से क्लासेस के टाइम डिसाइड हो चुके हुए हैं CR से, तो इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट टाइम दे देगा क्लासेस के टाइम। और ये बस 1.5 मिनट रह गया, तो कोई और बात वगैरह हो, कोई और चीज़ हो तो प्लीज डिस्कस कर दीजिएगा। मेरे टीचिंग मेथड को मुझे टिप देनी हो, यू आर आल्सो वेलकम अबाउट दैट, ठीक है। बट मेरा ख्याल है कि ये सिस्टम, मेरा तो ख्याल है कि बेहतर है, आप लोगों की क्या राय है बता दीजिएगा, क्योंकि उस तरह से लोड काफ़ी डबल हो गया था आप लोगों पर भी, मेरे पर भी। उससे पहले तो चलें ठीक था, लेकिन वो उनकी डिमांड और है, चलें। ओके, आई गेस वी शुड एंड दिस मीटिंग। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं, किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। समझ कितने लोगों को आया आज का लेक्चर वैसे, या आप लोग सिर्फ 2-3 लोग ही सुन रहे होते हैं मुझे जो कि मेरे साथ प्रेजेंट होते हैं? अगर आप लोगों को समझ आया, जिन लोगों को, प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आज का लेक्चर समझ आया तो। बाकी लोग चले गए, किधर हैं? राफे तो मेरे मुझसे क्वेश्चन भी किए हैं। अच्छा ठीक है।